Hello friend, good morning. This is Jivesh and welcome back to online class. Hope you are doing good and staying in home. So today I am going to take social studies class of standard 1. So please open your book. So in last class I have gave the homework of chapter 4 to remember the question answer. So please remember and share over the WhatsApp. Okay, those who have not yet shared. Okay, okay. In today's class, we are going to read chapter 5, unit 2, our needs. So, our need kya hai? Hum log ka need kya hai? Hum log morning se evening tak mein jo bhi chiz hum log ko chahiye, wo hum log ka need hota hai. Jaise hum log subah uthte hain, to hum log ko kya chahiye? Hum log ko खाना चाहिए. हम लोग घर में रहते हैं, हम लोग नहाने जाते हैं, ठीक है, हम लोग टीवी देखते हैं, तो ये सब क्या है, हम लोग का नीड्स है, राइट. हम लोग स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो दिस आर आवर नीड्स. तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट नीड्स क्या है, हम लोग का होम. फिर क्या है, खाना. तो खाना हम लोग फूड्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. In this unit, we'll study about the home, right? हम लोग home, हमारा घर मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं. तो जो जहाँ हम लोग खुशी खुशी रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम अपना घर बोलते हैं, right? सब लोग के साथ हम लोग जहाँ खुशी खुशी रहते हैं उसे हम लोग अपना घर बोलते हैं. अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम है या हम लोग को कुछ करना है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं, राइट. हम लोग घर जाते हैं जहाँ हम लोग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम लोग अपने फैमिली के साथ रहते हैं, खेलते हैं, खाते पीते हैं और सोते भी हैं, राइट. तो हम लोग को घर जरूरत है, राइट. घर ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोग जिसमें सनलाइट, एयर, ये सब आए, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी घर में क्या है, जिस घर में खुशी हो उसे हम लोग अच्छे घर बोलते हैं, राइट. जिसमें लोग अच्छे से रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, वो हमारा अच्छा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा घर है वो. सो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस पढ़ेंगे, राइट. हम लोग जैसे इंसान घर में रहते हैं वैसे ही जानवर भी घर में रहते हैं, तो वो सब देखेंगे, ठीक है. घर में क्या क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर. हम लोग सिर्फ रीड करेंगे, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन, ठीक है. सो लाइन लिव्स इन द इट्स डेन, बर्ड लिव इन इट्स नेस्ट, ह्यूमन लिव्स इन हिज होम. होम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, स्टॉर्म, डेंजर, एनिमल, इटसी. वी लिव एट नाइट peacefully in our home and safe by this. Home can be pakka or kaccha. Mostly people in the village live in huts. House should be lightful. आप लोग भी साथ साथ में finger ये करते जाना है, ठीक है. हम जहाँ पर पढ़ा रहे हैं वहां पर आपको फिंगर रखना है, कैसे हम पढ़ते हैं वो देखना है, ठीक है. इसी तरह से आपको भी पढ़ना है, ठीक है. सो हाउस शुड बी लाइटफुल. द अरेंजमेंट ऑफ एयर एंड सनलाइट शुड बी वेरी गुड इन अ हाउस. क्लीन हाउस इज द फाउंडेशन ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. वी लिव इन होम विथ आवर फैमिली. Nowadays, beautiful and strong houses are made from bricks, cement and concrete. Some people in forests and villages live in houses made up of bamboos and grasses. A rat runs away in its hole by seeing a cat coming. Thus, we go to our house in any problem. We should keep our house clean and tidy. We all live in house all together. We like our house.
There are many rooms in a house, such as bathroom, kitchen, store, dining room, drawing room, study room, bedroom, and toilet. In the evening, every man goes to his lovely house. ठीक है? So इस तरह से आपको भी reading देना है. So I will explain this chapter now. Lions live in its den. Lion कहाँ रहते हैं? गुफा में रहते हैं. Birds live in nest. और पक्षी जो है वो कहाँ रहते हैं? Nest में रहते हैं, घोंसले में रहते हैं. Such same way human कहाँ रहते हैं? In his house. अपने घर में रहते हैं. So lion जहाँ रहते हैं, lion का जो घर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेन कहते हैं. बर्ड्स जहाँ रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेस्ट कहते हैं. और ह्यूमन जहाँ रहते हैं उसे हम लोग होम कहते हैं. ओके, होम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट. अब ये होम में रहने से हम लोग को क्या क्या फायदा है? तो होम में रहने से होम प्रोटेक्ट हम लोग को सुरक्षा देता है. किससे? हीट से. समर है, विंटर है, या रेनी सीजन है, हम लोग कहाँ रहते हैं? होम में रहते हैं. क्यों रहते हैं? क्योंकि आउटसाइड क्या होता है, समर में बहुत गर्मी होता है, तो घर में हम लोग को गर्मी कम लगता है. रेनी सीजन में क्या होता है, बाहर रेन होते रहता है, तो हम लोग घर में रहते हैं क्योंकि हम लोग भींगे ना. ठीक है, तो हम लोग. और विंटर में क्या होता है, हम बाहर आउटसाइड क्या होता है, कोल्ड बहुत होता है, तब भी हम लोग घर में रहते हैं कि हम लोग को ठंड ना ज्यादा लगे. सो होम हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट वेदर से, इवन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंजर. जैसे होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, गर्मी से, कोल्ड ठंडे से, स्टॉर्म तूफान, आंधी तूफान जो होता है उससे, डेंजर एनिमल और खतरनाक जानवरों से भी हमें प्रोटेक्ट करता है. इटीसी और बहुत सारी चीजें जिससे प्रोटेक्ट करता है, जैसे थीफ है, ये सब सबसे हमें प्रोटेक्ट करता है. वी स्लीप एट नाइट इज फुल्ली इन आवर होम. हम लोग रात में अपने घर में शांति से रहते हैं. ठीक है, सेफ बाय थीफ, और चोरों से भी बच के रहते हैं. हम लोग घर में रहते हैं तो सेफ रहते हैं, राइट? कोई बदमाश, कोई चोर हम लोग को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो घर में हम लोग सुरक्षित रहते हैं, राइट? और शांति पूर्वक भी रहते हैं. होम कैन बी पक्का और कच्चा. सो पक्का और कच्चा क्या है? जो घर सीमेंट, ब्रिक्स, कंक्रीट का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग पक्का हाउस कहते हैं. कच्चा हाउस जो जो टेम्पररी टाइप का रहता है, या उस सीमेंट, ब्रिक्स, कंक्रीट का यूज करके नहीं बनता है, उसे हम लोग कच्चा हाउस करते हैं. ठीक है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, जो ऊपर पे है इमेज में है, ये क्या है? पक्का हाउस है. और नीचे जो हाउसेस दिख रहे हैं वो क्या है? कच्चा हाउस है. ठीक है, तो पक्का हाउस क्या होता है? स्ट्रांग होते हैं. जो स्टॉर्म है या फ्लड आता है, बाढ़ आ गया या तूफान आया, तो ये पक्का हाउस क्या होता है? ज्यादा दिन रहता है. मतलब ये इससे क्या होता है, पक्का हाउस में कोई दिक्कत नहीं होती. मगर कच्चा हाउस क्या होता है, वो मट्टी से रहते हैं, तो वो क्या होता है, टूट जाते हैं जल्दी. ठीक है, सो पक्का हाउस इज स्ट्रांग हाउस. ठीक है, तो पक्का हाउस जान गए. पक्का हाउस जो ऊपर में ब्रिक, सीमेंट ये सब से बना हुआ है, वो पक्का हाउस हो गया. और कच्चा हाउस जो आपको नीचे दिख रहा है, जो मट्टी से बना हुआ है, ठीक है, वो क्या हो गया? कच्चा हाउस हो गया. सो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, होम कैन बी पक्का और कच्चा. सो घर आइदर पक्का भी हो सकता है और कच्चा हाउस भी हो सकता है. हम लोग सब तरह का हाउस देखते हैं, पक्का हाउस भी देखते हैं, कच्चा हाउस भी देखते हैं. ठीक है, पक्का हाउस जो है जो शहर या सिटी में आपको मिलते हैं, कच्चा हाउस जो है गांव में जाएंगे, विलेज में जाएंगे, तो वहाँ कच्चे हाउस रहते हैं. मोस्टली पीपल इन द विलेज लिव इन हट्स.
ज्यादातर जो विलेज में होते हैं लोग वो हट्स में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। तो हट्स क्या हो गया, कच्चा हाउस है, ठीक है। हाउस शुड बी लाइटफुल, हाउस क्या है, घर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, लाइटफुल होना चाहिए, उसमें लाइट आना चाहिए, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ एयर एंड सनलाइट शुड बी वेरी गुड इन अ हाउस, घरों में क्या होना चाहिए, जो सनलाइट है और एयर है वो अच्छे से आना चाहिए, खुला खुला घर हो जिसमें सनलाइट भी आता हो एयर भी आता हो, वो वैसा घर होना चाहिए। क्लीन हाउस इज द फाउंडेशन ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, और घर जो है क्लीन होता है, साफ सुथरा घर होता है, वो घर क्या होता हैप्पी एंड हेल्दी, हेल्दी उसमें लाइफ अच्छे से लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं, हैप्पी एंड हेल्दी रहते हैं उसमें। तो घरों को क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए घर को। अगर गंदा रखेंगे तो हमारा हेल्थ पर प्रॉब्लम होगा, हमले कुछ कोई भी बीमारी हो सकता है, हम लोग बीमारी होगा तो हम लोग खुश नहीं रहेंगे, राइट। तो इसलिए हम लोग को घरों को क्लीन रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन। नाउ डे ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग हाउसेस आर मेड फ्रॉम ब्रिक्स, आजकल क्या होते हैं जो घर बनते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत डिजाइन डिजाइन के, अच्छे अच्छे डिजाइन के घर बनते हैं, ठीक है। तो नाउ डेज ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग हाउसेस आर मेड फ्रॉम ब्रिक्स, ब्रिक्स से जो घर बनते हैं वो सुंदर और स्ट्रॉन्ग होते हैं। सीमेंट सॉरी ब्रिक्स सीमेंट एंड कॉन्क्रीट, ठीक है। नाउ डेज ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, सुंदर और मजबूत घर बनते हैं किससे, ब्रिक्स से, सीमेंट से एंड कॉन्क्रीट, ठीक है। कॉन्क्रीट, सीमेंट और ब्रिक्स से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हाउस बनते हैं। पीपुल इन फॉरेस्ट एंड विलेज लिव इन हाउसेस मेड अप ऑफ बैम्बूज एंड ग्रास। सो सम पीपल इन फॉरेस्ट, कुछ लोग जो है फॉरेस्ट में रहते हैं एंड विलेज में रहते हैं, वो सब जो जो रहते हैं जो घर में रहते हैं वो घर किस तरह का होता है, बैम्बो का बना होता है एंड ग्रास का, ठीक है। ग्रास और बैम्बो का घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं उन लोग। तो कुछ लोग जो हैं जो फॉरेस्ट और विलेज में बैम्बो हाउस, बैम्बो एंड ग्रास का हाउस में रहते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो होमवर्क में आपको क्या करना है, रीड चैप्टर 5, ठीक है, और साथ में आपको चैप्टर 4 का क्वेश्चन से भी रिमेम्बर करना है, ओके। सो राइट डाउन द होमवर्क इन द डायरीज, ठीक है। एंड बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास आप लोग को इस चैप्टर को रीड करना, अच्छे से समझना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ना है और रिमेम्बर करके आपको होमवर्क शेयर करना है। तो घर में रहिए, खूब पढ़िए और हाथों को धोते रहिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ओके। सो बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।